एक एरे लेंगे, उसमें कोई एक नंबर लेंगे और वो सर्च करेंगे। तो उसके लिए फंक्शन है, शुरुआत में हमने इसमें stdio.h नाम की एक लाइब्रेरी फंक्शन है वो इंक्लूड किया, और एक डेफिनेशन प्री प्रोसेसर कमांड वाली डेफिनेशन दी sijd, जिसकी वैल्यू 100 दे दी, और बाद में लीनियर सर्च फंक्शन को कॉल कर लिया। लीनियर सर्च फंक्शन का प्रोटोटाइप डिफाइन कर दिया, जिसमें इनपुट में एक एरे है, एक की है और एरे की साइज है। उसके बाद मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में एक एरे को इनिशियलाइज कर दिया, उसमें इनिशियलाइजेशन में जो भी एरे का नंबर है, एलिमेंट नंबर है, उससे 2 गुना वैल्यूज़ के उसको असाइन कर दी। मतलब एरे एलिमेंट, जैसे 6th एरे एलिमेंट है उसको 12 असाइन कर दिया, 15th एरे एलिमेंट है उसको 30 असाइन कर दिया। उसके बाद में एक नंबर रीड कर लिया, उसको लीनियर सर्च एरे को कॉल करके उसको एरे और उस नंबर को उसमें भेज दिया। यदि एरे रिटर्न करता है, वो रिटर्न वैल्यू -1 है, नहीं है, तो एलिमेंट को प्रिंट कर दिया जो कि एरे में उस सर्च नंबर की पोजीशन है, अदरवाइज वैल्यू नॉट फाउंड प्रिंट कर दिया। और ये एरे फंक्शन है। हम इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं। तो ये अपना फंक्शन है, ये प्रोग्राम है जिसमें हैश इंक्लूड stdio.h, डिफाइन साइज इज 100, ये प्रोटोटाइप लीनियर सर्च फंक्शन का प्रोटोटाइप है। इसमें ये फॉर लूप है जो एरे को इनिशियल वैल्यूज दे रहा है, इनिशियल वैल्यूज पोजीशन का 2 टाइम्स है, और देन ये सर्च की को रीड कर लिया, लीनियर सर्च फंक्शन को कॉल कर लिया। यदि एलिमेंट की वैल्यू -1 नहीं है तो एलिमेंट मतलब पोजीशन नंबर प्रिंट कर दिया, एल्स वो वैल्यू नॉट फाउंड प्रिंट कर दिया। ये लीनियर सर्च फंक्शन है, इस फंक्शन में एरे को इनपुट के रूप में लिया है, एक की नाम से वेरिएबल लिया है जो कि सर्च की वैल्यू आएगी, और एरे की साइज यहाँ ये हर एक फॉर लूप स्टार्ट किया है, फॉर लूप में हर एलिमेंट को कंपेयर कर रहा है सर्च की से या की से, जो ही ये कोई एलिमेंट यदि मैच कर जाता है ये उसकी पोजीशन रिटर्न कर देता है, एल्स रिटर्न -1 कर देता है। हम प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, रन करते हैं। रन करने पर एंटर इंटीजर सर्च की, कोई की सर्च करते हैं, एंटर करते हैं, जैसे हमने 100 सर्च किया तो 150th नंबर पे है, हमने 198 सर्च किया ये 99th नंबर पे है, हमने 75 सर्च किया ये इस एरे में नहीं है, हमने 101 सर्च किया ये भी नहीं है, हम और सर्च करते हैं, हम 200 सर्च करते हैं ये भी इसमें नहीं है, क्योंकि टोटल 100 एलिमेंट्स लिए थे, इसलिए एरे में मैक्सिमम 198 तक होगा, क्योंकि 100 एलिमेंट का मतलब है लास्ट सबस्क्रिप्ट 99 होगी, जिसका डबल 198 है। अब हम देखते हैं ये फंक्शंस, ये लीनियर सर्च फंक्शन है, इसको हम देखते हैं। तो ये लीनियर सर्च जो फंक्शन है, ये एक प्रोसेस है किसी एरे में किसी एलिमेंट को सर्च करने की। एरे में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट हम देखना चाहते हैं कि ये एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, इसको सर्च करने का जो मेथड है उसको हम कहते हैं सर्चिंग। और इसी सर्चिंग का एक मेथड है जो है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में हम क्या करते हैं, एरे के हर एलिमेंट को कंपेयर करते हैं जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं उससे, और यदि कोई भी एलिमेंट मैच कर जाए तो ये हमें उसकी वैल्यू प्रिंट कर देता है, उसकी पोजीशन रिटर्न कर देता है। ये मेथड कोई अच्छा मेथड नहीं है एरे सर्च करने का, क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट को कंपेयर किया जाता है। हालांकि हमने यहाँ जो एग्जांपल लिया था उसमें एरे ऑर्डर्ड थी, लेकिन ये मेथड उन एरेज के लिए बहुत अच्छे से काम करता है जो ऑर्डर्ड नहीं है। ऑर्डर्ड मतलब ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एरे का लिखा हुआ होना, या एरे एलिमेंट्स का असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना। हमने जो पर्टिकुलर एरे ली थी वो असेंडिंग ऑर्डर में थी, 0, 2, 4 इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में, और
जो एरे इस क्रम में नहीं हो, इस ऑर्डर में नहीं हो, एरे एलिमेंट्स पर किसी भी तरह से हो, वहाँ पर ये मेथड अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ इसमें हर एलिमेंट को सेम प्रोबेबिलिटी से देखा जाता है कि कोई भी हम एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो सबके शुरू में है या सबके एंड में है, उसकी प्रायिकता समान है। ये जो लीनियर सर्चिंग मेथड है, ये छोटी जो एरे होती हैं या जो एरे अनसॉर्टेड होती हैं, जिनकी सॉर्टिंग नहीं की होती है, मतलब जिनको आरोही आवरोही क्रम में नहीं लिया गया है, उनके लिए बहुत अच्छा मेथड।